যৎসক্তয়ো বদনাম বাদিনাম বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি কুর্বন্তি চৈষাম মুহুরাত্মমোহম তস্মৈ নমো অনন্ত গুণায় ভুবনে যৎসক্তয়ো বদতাম বাদিনাম বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি কুর্বন্তি চৈষাম মুহুরাত্মমোহম তস্মৈ নমো অনন্ত ভুবনে গুণে। শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জী নে বতায়ে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ একায়ন পদ্ধতি মে বিশ্বাস রাখতা হ্যায়। শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জী নে বতায়ে, গৌড়ীয়গণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সর্বদা একায়ন পদ্ধতি কা উপর ভরোসা রাখতা হ্যায়। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জী নে বতায়ে, এ দো দিন কা জিন্দগি মে, এ দো দিন কা জিন্দগি মে আপ সব মিলজুল কর এক আশ্রয় বিগ্রহ কা আনুগত্য মে হরিভজন করনা, এক আশ্রয় বিগ্রহ কা আনুগত্য মে আপ সব মিলজুল কর হরিভজন করনা। সবসে বড়া বাত তো ইয়ে হ্যায়, জিসকা সামনে পৌঁছনে সে জিতনা তর্ক বিতর্ক সমাপ্ত হয়ে যাতা হ্যায় উসি কা নাম গুরুদেব হ্যায়, বৈষ্ণব হ্যায়। জিসকা সামনে পৌঁছনে কা সাথ সাথ মেরা জিতনে মেরা জিন্দগি কা জিতনা সারে তর্ক বিতর্ক সংশয় সন্দেহ সারে সমাপ্ত হয়ে যাতা উসি কা নাম গুরুপাদ পদ্ম বৈষ্ণব হ্যায়। একায়ন পদ্ধতি কা মতলব ক্যা হ্যায় সমঝা নাহি কুছ, আর এ সব চর্চা অক্সর হোতা ভি নাহি হ্যায়, হোনি চাহিয়ে লেকিন হোতা নাহি। শিল সরস্বতী ঠাকুর কা ইয়ে জো প্রবচন হ্যায় ইসকা মতলব ইয়ে হ্যায় যে একমাত্র যে আশ্রয় বিগ্রহ হ্যায় ইসি কা আনুগত্য মে সারে হামারা প্রয়াস প্রচেষ্টা জিতনা সারে হ্যায় ভজন কা পদ্ধতি সারে এক চ্যানেল সে ওয়ান পয়েন্ট ডাইরেক্টেড হোনা চাহিয়ে। গুরুবর্গ কা বিচার বড়া অদ্ভুত হ্যায়, বিচার করনে যাও তো দেখোগে আজ যে অধিবাস তিথি গুরু পূজন কে লিয়ে হামারা প্রস্তুতি, অধিবাস মতলব সমীপ, অধিবাস মতলব সমীপ বাস সন্মুখ, এ বাত বহুত বাত বহুত বার মে চর্চা কর চুকা যে গুরুপাদ পদ্ম কা সন্মুখ হোনা গুরু বৈষ্ণব কা সামনে আনে কা মতলব হ্যায় एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य वस्तु का सम्मुखीन होना। इसमें कोई झूठा बोल के कोई चीज नहीं रह सकता। एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य वस्तु का सम्मुखीन होने का मतलब है गुरु वैष्णव का सम्मुखीन होना। अधिवास स्थिति मतलब समीप वास, टू स्टे इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव। गुरु वैष्णव का सन्मुखीन होना सबसे बड़ा बात है। सामने अगर ना आए तो गुरु पूजा का कोई व्यवस्था हो नहीं सकता। गुरु वैष्णव का सन्मुखीन होने का मतलब है हमारा जिंदगी का जितना सारे मेकी है, जितना सारे झूठापन है, सारे फेंक फाक के एकदम हृदय से शरणागत हो जाना, गुरु वैष्णव का सन्मुख आ जाना। जो श्लोक दे के शुरू किया है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है,
जिसका ताकत से हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक शास्त्रविद दूसरा शास्त्रविद का साथ चर्चा करता है, लड़ाई करता है। जत सत्यो वदताम वादिनाम वही विवाद संवाद भुवो भुवंति, जितना सारे लड़ाई झगड़ा, जितना सारे अशांति अमंगल सारे समाप्त हो जाए अगर गुरु वैष्णव का सन्मुख आ जाए। गुरु वैष्णव का सन्मुखीन हो जाए तो जितना सारे लपड़ा सारे खत्म हो जाएगा। श्रील सरस्वती जागुर का कहने का क्या मतलब है, एक आश्रय विग्रह का अनुगत्व में आप लोग मिलजुल कर ये दो दिन का जिंदगी में मिलजुल कर हरिभजन करना। एक आश्रय विग्रह भगवान, विषय विग्रह गुरु वैष्णव आश्रय विग्रह है, और ये आश्रय विग्रह का जिसका आज पूजन का अधिवास तिथि, उसको आप सामने आकर पूछो कि महाराज आपका पूजा होगा, आप पूजा आप ग्रहण करेंगे? महाराज बोले नहीं हम तो पूजा नहीं लेंगे। तो कौन लेंगे? महाराज बोलेंगे हमारा गुरुजी को हम पूजा दे देंगे। ये निष्किंचन भाव है, वास्तविक जो निष्किंचन भाव शरणागत भाव, इसमें यही सिद्धांत है। महाराज बोलेंगे हमारा जितना पूजा आप लोग कर रहे हो सारे पूजा हमारा गुरुजी को हम दे देंगे। अब वो गुरुजी को पूछो और गुरुजी परम गुरुजी बोलेंगे हम तो नहीं लेंगे, ये पूजा हम प्रभुपाद को दे देंगे। प्रभुपाद बोलेंगे हम तो पूजा नहीं लेता है, गौर किशोर बाबा को दे देंगे। ऐसा करके आप पीछे जाओ तो पूरा सारे पूजा राधा रानी का चरण में चढ़ जाएगा। इसी का नाम है वन पॉइंटेड कंसेप्शन डिवोशन, जिसमें एक ही आश्रय विग्रह का अनुगत्व में भजन करने का बात प्रभुपाद जी ने बार बार बताए, लेकिन मिलजुल कर। अब ये जो मिलजुल कर, इस पॉइंट पर बड़ा तर्क होता है, ये मिलजुल कर दो दिन का जिंदगी में भजन करो, इसका मतलब ये नहीं। ये मठ में प्रभुपाद जी ने बताए, ये कोई होटल नहीं है जहां आप लोग सब आओ, अच्छा रसोई होगा, हम लोग भगवान को दिखा कर खाएंगे चकाचक और आपस में लड़ाई करेंगे, पैसा जेब में बढ़ेंगे, इसके लिए व्यवस्था नहीं है। गौड़ीय मठ में एक एक जो भक्त है, प्रभुपाद जी ने बताए गौड़ीय मठ में हमारा एक एक जो भक्त है, जो गौड़ीय भक्त बोल के अपने को परिचय देता है, इन लोगों का सुबह से शाम तक रात तक जितना परिश्रम करके एक पैसा भी झोली में आता है, सारे के सारे राधा गोविंद गौर हरि का पूजा में हम लोग लगा देते हैं। एक पैसा भी किसी का अपना भोग का लिए व्यवहार नहीं हो सकता, इट इज माय गारंटी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब हम लोग बोले कि ये इट इज लाइक ए होटल, ये है उसमें कोई किसी को नहीं कुछ बोला। मिलजुल कर मतलब वर्तमान समय में ये मिलजुल कर मतलब क्या है, बोले तुम भी हमको कुछ नहीं बोलना, हम भी तुमको कुछ नहीं बोला, तुम कुछ करना है तो करो, हम तुमको कुछ नहीं बोले, हमारा भी दोष नहीं देखो, हम भी कुछ करें। प्रभुपाद ये बताए नहीं, मिलजुल का मतलब ये नहीं कि वहां जो प्रतिष्ठित वैष्णव है और जो लपराबाजी कर रहा है मठ में उसको करने दो, हमारा करने दो, नहीं तो मठ कौन सेवा करेगा? अरे तुम्हारा विश्वास ही नहीं है भगवान का ऊपर, कौन सेवा करेगा? जो मठ का परिवेश दूषित कर रहा है उसको फेंको बाहर, नहीं तो उसको रेक्टिफाई करो, संशोधन करो, नहीं तो पूरा गौड़ीय समाज करप्टेड हो जाएगा। क्यों ऐसा करने दे? तो तुम्हारा विश्वास नहीं है कि अगर हम भगवान का भजन करें तो उसमें सेवक पैसा किसी का कमी नहीं रहेगा, सब आएगा ठाकुर जी का कृपा से। तो पोपा जी कह रहे हैं कि ये तो होटल नहीं है जहां हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का दोष नहीं देखना, वो करने दो और हम करेंगे सेवा, चलाते रहेंगे, सेवा नहीं होगा। सीनियर वैष्णव जूनियर वैष्णव को क्षमा करेंगे, 100 बार क्षमा करे 100 बार, लेकिन इसका बार इसका भी अपना तरफ से एक इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने को रेक्टिफाई करें।
जो प्रतिष्ठित वैष्णव है मठ में, एक गोष्ठी भजन का ये फैसिलिटी है। गोष्ठी भजन का क्या फैसिलिटी है कि यहाँ प्रतिष्ठित वैष्णव है, सुबह शाम तुमको ये वैष्णव देखने का सुजोग मिल रहा है, विग्रह देखने का सुजोग मिल रहा है, सारे तुम्हारा सुजोग हो रहा है, ये सब मुख विगल तो कथा सुनने का अवसर हो रहा है। लेकिन इसका साथ साथ गोष्ठी भजन में डेंजरस चीज भी है, वो है रसोई में, पूजा में, पाठ में, हर जगह एक एक उल्टा सीधा कुछ होगा, इसका रिएक्शन सबको भोगना पड़ेगा। ये गोष्ठी भजन में अगर पूजा में कुछ गलती हो गया, वो गलती का पूरा शेयर तुमको भी लेना पड़ेगा, बी केयरफुल। रसोई में उल्टा हुआ, ठाकुर जी का सेवा हुआ नहीं, ये सब जो सीनियर बड़ा बड़ा वैष्णव लोगों का संग किया है वो जानता है। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज वृंदावन में 3 बजे दोपहर को, सारा दिन भोजन करने का समय नहीं मिला, 3 बजे प्रसाद पाने बैठा है, प्रसाद को लेने के लिए तैयार हुआ और उसमें से एक बाल निकला, बाल महाराज माथे में हाथ दिए, बोला आज कृष्ण का सेवा हुआ नहीं, इसको ले जाओ जमुना जी में फेंक दो, कृष्ण आज खाया नहीं, हम भी खाएंगे नहीं। कहा है ये सब विचार है आज? है नहीं। महाराज बोला आज कृष्ण कुछ खाया ही नहीं, हम भी खाएंगे नहीं। ये जो एडजस्टमेंट का बात है कहां तक है, जहां तक शुद्ध सिद्धांतों शुद्ध विचार का कोई विपर्जय उपस्थित ना हो। मठ मंदिर स्थापन करने का ये है, ये सब उत्सव का यही हमारा फैसिलिटी है, इसमें यही लाभ है। जहां हमको ये सिद्धांत, ये विचार, आदर्श आचरण देखने को मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कुछ तमोगुणी और रजोगुणी आदमी कुछ कलेक्शन करके हम मठ चलाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं रजोगुणी और तमोगुणी कुछ आदमियों के द्वारा जो आध्यात्मिक जो मठ जो चलाने का कोशिश करो, उसमें कुछ आदर्श समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, उसमें आप समाज में कोई आदर्श दिखा नहीं सकोगे, और समाज का आदमी आके तुम्हारे पास थुक्कार देंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बोला है। इससे सबसे बड़ा है आइडियलिज्म। ए आइडियलिज्म का साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, चाहे तुमको जान देना पड़े, तुम मर जाओ। उस दिन चर्चा कर रहा था श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का मठ में, प्रभुपाद जी ने एक बार हरिकथा बोलते बोलते बांग्लादेश, एट प्रेजेंट इट इज बांग्लादेश, दैट टाइम टोटली इट वॉज इंडिया, उस टाइम उधर में हरिकथा चल रहा था, प्रभुपाद बोल रहे अचानक हरिकथा बोलते बोलते जे कृष्ण भगवान का चैत भगवान कृष्ण भगवान का जरा सा भी स्वार्थ सेल्फ इंटरेस्ट, माने कृष्ण भगवान का जरा सा भी स्वार्थ रक्षा करने के लिए आई कैन सेक्रीफाइस थाउजेंड्स ऑफ बॉन्डेड सोल। हम कृष्ण भगवान का जरा सा भी स्वार्थ रक्षा करने के लिए हजारों हजारों बद्धोजीव को बलिदान दे देंगे। समाज में हल्ला मच गया, अरे महाराज आप वैष्णव हो, अब ऐसा बात बोला, हजारों हजारों बद्धोजीव को आप बलिदान दे दोगे कृष्ण का इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए, ये कौन सी बात है। केशव गोस्वामी माता ब्रह्मचारी था, केशव गोस्वामी माता सोच में पड़ गया, ऐसा कैसा बात है, इसका समाधान क्या है। उसमें समाधान आया, केशव गोस्वामी माता बोल रहे हैं हम पहले तो समझा नहीं, बाद में प्रभुपाद जी का कृपा से समझ गया कि ये जो जगत है, ये नेगेटिव वर्ल्ड है, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्ल्ड, और वैकुंठ जगत है पॉजिटिव वर्ल्ड। आप जो मैथमेटिक्स किया है जानते हो, जीरो को मिडिल में रखकर दाहिना तरफ जितना जाओगे इंटीजर का संख्या जितना बढ़ेगा उतना वैल्यूएशन बढ़े, लेकिन नेगेटिव साइड में जितना इंटीजर का वैल्यूएशन देखोगे बढ़ेगा, उसका जो वैल्यूएशन घटेगा, उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। -10 बोलोगे तो -1 का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 0.001 का वैल्यूएशन -10 से बहुत ऊंचा, ये समझने का हिम्मत किसी का नहीं। तो ये जड़ जगत में जितना सारे इंपॉर्टेंट आदमी है, जितना सारे है, ये सब मेटेरियल आदमी है, इनके बराबर वैकुंठ जगत का कोई विचार आ ही नहीं सकता। वैकुंठ जगत पॉजिटिव वर्ल्ड,
कृष्ण भगवान का जरा सा भी स्वार्थ कायम रखने जाए तो हजारों हजारों बद्ध जीव का बलिदान दे देंगे, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं होगा। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी को पूछा था जे तुम जाके लंका में इतना लोगों को मासूम बच्चा सब मर दिया, तुमने आग लगा दिया, क्यों? तुम्हारा तो बहुत पाप हुआ। हनुमान बोला हमारा कुछ पाप नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमने लंका को जलाया नहीं। अरे तुम जलाया, जलाया नहीं बोले, हम कुछ नहीं किया, आज जो कुछ भी किया सब राम जी के लिए किया। तो आज उदिवा स्थिति में हम लोग को सोगंथ लेना चाहिए, शपथ लेना चाहिए कि जो कुछ भी करेगा गुरु जी का सेटिस्फेक्शन के लिए, भगवान का सेटिस्फेक्शन के लिए, जरा सा भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट का गंदगी रहे तो आपको नेक्स्ट लाइफ में या ए लाइफ में उसको आपको आपका उत्तर देना पड़ेगा, आपका जिंदगी में रिजल्ट आएगा, आप देखोगे। गुरु सेवा और गुरु को भोग करना, इस विषय में हम काल चर्चा करेंगे, बहुत सारे सूक्ष्म विचार है, छोटे से समय में हो नहीं सकता, इसलिए आज बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, आज इधर समाप्त करें। अधिवास स्थिति में ये सौगंध लिया कि गुरु जी का खिलाफ कुछ हम नहीं करेंगे, गुरु सेवा का मतलब गुरु सेवा ही करेंगे, उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, गंदगी भी तक नहीं रहे, ना तो नरक जाना पड़ेगा। वांछा कल्पतरु सुखे वासिंधु भवेच पतितानां पावनं वैष्णवभ्यो नमो नमः।